स्वागत है फिर से हमारे एक नए और फ्रेश ब्लॉग में। आज है कृष्ण जन्माष्टमी। लोग लगभग हर साल कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्योहार है दो दिनों में बढ़ जाता है, तो 18-19 कुछ लोगों ने 18 को मनाया है, आज 19 तारीख है। तो आज गांव में हमारे भी कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ अवसर है और मनाया जा रहा है। वैसे हमारे घर में नहीं है और बगल में रामायण का पूरा आवाज आपको आ रही होगी। इस साल बारिश एकदम नहीं हुई, आप देख रहे होंगे खेत पूरी तरह से जो गर्मी हुई है पीला पड़ गया है। जब तक मानसून की बारिश नहीं होती है तब तक पौधों में इतना विकास हो नहीं पाता है, इसलिए कि नीचे का पानी और भगवान जो ऊपर से पानी देते हैं बारिश का मानसूनी पानी बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन पीछे भी देख रहे हैं कि ये हल्की फुल्की गर्मी हुई है और इस तरफ भी हमारे हुई है, हमारे खेत में भी हुई है। लगभग पूरा तो नहीं हुआ है लेकिन लगभग पूरा हो चुका है। अब दिक्कत है पानी की, इसलिए कि पानी उतना पर्याप्त में मिल नहीं पा रहा है, इसलिए बिजली की प्रॉब्लम है। चलिए तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये सामने जो परिसर दिख रहा है ये हमारे गांव का विद्यालय है। इस थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखाते हैं, ये विद्यालय परिसर है, इधर घर है और इस तरफ विद्यालय परिसर है। चुनार में तो उस समय आपको कितना उम्र हाल हुई? इनके भाई भी हम तो वो उम्र कितना लगे लम से? हाँ उस समय साठ है। अभी कितना उम्र हुआ आपके? नहीं अरे अरे कागज में जो लिखल हुई वही ना हुई? अरे कागज देखो याद से करो कि 15 बरिस का लड़की है, 15 में हम गवनी आई थी। अच्छा हम आई है छठ पूजा के बैसाख में। अच्छा सावन में घर जाना। अच्छा उनका नंबर कितना? 70 बरिस तो हम आई है। हाँ 20 बरिस हो गया। 90 तो कहाँ बहुत नजदीक गवनी में जब आ गई है उकरे कई साल बाद आप पिक्चर देखने गई हैं पहला पिक्चर सिनेमा हॉल में? जब नौकरी लाग गई है बाबू के आगे बात खुली के देखो काटे बाबू खुली आगे दिनों भरे के रिकॉर्ड में मिल रहा। अच्छा इतनी मतलब दिक्कत थी जब ने वक्त चाहे बाबा मानना हो हमारे घर में हमारे ससुर तुम्हें घर चली घुसपत है तुम्हार बाबू रहो तब खोली पसी लगुआ भैया दू ही से लगुआ पर लगा एक चुटी दू ही से लगुआ मैंने जाना तो 2 किलो लगुआ में आधा किलो चावल अच्छा नमक हल्दी हल्दी बोई गोभी आलू पूरी मार बन हम Thank you.
तो शाम के लगभग बज रहे हैं 5 और मौसम भी बड़ा अच्छा है, हुआ है, बारिश अभी हुई है, शुरू भी थोड़ी बहुत हुई थी। बहुत ही फायदेमंद है जो खेत में लोग गड़बी कर चुके हैं, जिनका धान गड़ चुका है। गांव की रोड पे भी पानी वानी भर गया है, इधर थोड़ा सा हरा भरा हो गया है। हरा भरा हो जाता है तो अच्छा लगता है। और ये बारिश बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बारिश नहीं होगी तो इसी बारिश के कारण ही जलस्तर बढ़ता है और इसका उपयोग हम लोग पूरी जाड़ा और गर्मी तक कर पाते हैं। तो सोचिए, चले खेत पे चलते हैं, देखते हैं कि इस बारिश का थोड़ा बहुत तो असर है कि नहीं है, कुछ खेत में पानी इकट्ठा हुआ है कि नहीं है। एक चीज़ है, जैसे ही बारिश होती है तो पूरी तरह से कीचड़ कीचड़ ही हो जाता है। और ये है खेत की स्थिति, जो कि लगभग लगभग गर्दी हो चुकी है। थोड़ा सा पार्ट बजा हुआ है, यानी 2 क्यारी कह लीजिए, 2 क्यारी। पीछे जो एरिया दिख रहा होगा ये वाला, इसमें यही 1 क्यारी है और 1 क्यारी है, यही 2 क्यारियाँ बची हुई हैं। और सब में तो पूरा धान गड़ चुका है। ये हमारा बिया जो डाला गया था धान का, वो भी बच गया है। इसलिए वैसे गांव में गड़नी हुई नहीं है किसी की, स्थिति अच्छी नहीं है। और हम अपनी वीडियो के माध्यम से और लोगों को संदेश भी देना चाहेंगे कि धीरे धीरे पानी अब स्पीड से कम होता जा रहा है, मानसून बारिश हो नहीं रही है ढंग से। तो प्लीज पानी का जितना कम उपयोग करें, जितने कम पानी में आपका हो जाए। इधर बोरिंग हमारी चलती थी, थोड़ा सा मुझे भी अफसोस होता था कि इस बोरिंग चलने से पीछे जो हैंडपम्प है उसमें पानी छोड़ देता था, लेकिन इस बार मजबूर थे। लेकिन इस चीज पे हर व्यक्ति को ध्यान देने की जरूरत है। ये था थोड़ा सा छोटा सा ब्लॉग को कंटिन्यू रखने के लिए। ये 2 पार्ट में ब्लॉग बना है। फिर मिलेंगे एक नए और फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।